Brought to you by Techno Camon 30 series. का अनुमान है 42% वोट का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 1 से 2 सीटों का अनुमान है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी स्क्रीन बदल गई है पूरी। देखिए 29 से 33 सीटें इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीए बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें मिल सकती है, एनडीए को 29 से 33 सीटें मिल सकती है। ब्रेकिंग हम आपको बताने हैं, क्या कहता है ये ब्रेकिंग, किस पार्टी को कितनी सीटें, तुरंत हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ब्रेकिंग क्या क्या कह रही है, सीटें किसके किसके पास कितनी सीटें जाएंगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पहला सबसे बड़ी खबर, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपके ऊपर आंकड़े बदले आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है ये एग्जिट पोल, किस पार्टी के हिस्से कितनी सीटें। बीजेपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 13 से 15 सीटें आ सकती है बिहार में। बीजेपी को भी यहाँ नुकसान, इंडिया को 7 से 10 सीटों, बीजेपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान है। आरजेडी को 6 से 7 सीटें आ सकती हैं, आरजेडी को 6 से 7 सीटों का अनुमान। एलजेपी को 5 सीटें आ सकती हैं, एलजेपी को 5 सीटों का अनुमान है, एलजेपी को भी 5 सीटों का अनुमान है। कुल मिलाकर ये पूरे आंकड़े देखिए, हम आपको पूरा एक एक हाल दिखा रहे हैं सीटों का कि यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी को बिहार में 13 से 15 सीटें, जेडीयू को 9 से 11 सीटें, एलजेपीआर को 5 सीट, एलजेपीआर को 5 सीट, साथ ही आरजेडी को यहां पर देखिए ये सीटों का अनुमान हम आपको पूरे पूरे एग्जिट पोल बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, ये बड़ी बात। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको हर एक सीट का हाल बता रहे हैं। देखिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कांग्रेस को 1 से 2 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है, इसमें इसमें चिराग की पार्टी एलजेपी को 5 सीटों का अनुमान, एलजेपी को 5 सीटों का अनुमान। देखिए आरजेडी को 6 से 7 सीटें, एलजेपी को 5 और अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान है, अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की इंडिया गठबंधन को बिहार में 7 से 10 सीटें, लेकिन यहाँ पर 1 से सीटें 10 बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ एक बड़ा इजाफा आप कह सकते हैं, आरजेडी के हिस्से में 6 से 7 सीटें आ सकती हैं, आरजेडी को 6 से 7 सीटें आती हुई दिख रही है, आरजेडी को 6 से 7 सीटें आती हुई दिख रही है। ये इस वक्त की
बड़ी खबर।